मोदी जी यही है, शाह जी यही है, वो सदन में आके खुलासा क्यों नहीं कर रहे, स्टेटमेंट क्यों नहीं दे रहे, क्या वजह है? देश के इतिहास में ये लिखा जाएगा, 150 के नजदीक ये सस्पेंड कर रहे हैं और हाउस एक तरफा चलाने की। अगर चेयरमैन साहब ही ऐसा बोले तो मैं एक अपोजिशन लीडर होके मैं ये कहूं कि मुझे राज्यसभा में बोलने नहीं दिया क्योंकि मैं एक दलित लीडर हूं। ऐसी जात पात की बात अंदर करके लोगों को बाहर भड़काने का काम कोई नहीं करना चाहिए। और मुझे बहुत बुरा लगा कि हर आदमी अगर अपनी अपनी जाति के लिए किसी विषय पे अगर बोलते हैं तो मेरे जाति को इफेक्ट हुआ, तो मेरे जाति को तो हमेशा इफेक्ट होता है, मुझे तो बोलने नहीं दिया जाता है। मैं जो सवाल उठाता हूँ उसको उत्तर नहीं मिलता। और आज देखिए, हम जो कोई बोलने के लिए ठहरे कि चिदंबरम साहब थे हमारे, शिवा थे और करीम साहब थे, वाइको साहब थे, सभी थे, टीएमसी सभी थे, वो बात करने के लिए तो उठे। तो जितने मेंबर्स उनके हैं राज्यसभा के, वो पूरे उठ के खड़े हो गए, स्लोगन शाउटिंग। ये कहीं है रूलिंग पार्टी खुद 10 लोगों के लिए अगर 200 लोग खड़े होते हैं तो ये एक मजाक है डेमोक्रेसी का। और डेमोक्रेसी को खत्म करने के लिए ऐसे जो प्रेसिडेंट्स वो क्रिएट कर रहे हैं। और दूसरी बात जो मिमिक्री यहाँ पर हो गई आउटसाइड, ये सबने देखा होगा, ये आपको भी मालूम, जो घटना सदन के बाहर हो गया आउटसाइड द हाउस, तो उसके बारे में सदन में एक रेजोल्यूशन पास करना, कंडेम करना, ये कहाँ का है? और वो भी ठहरे ठहरे, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ठहरते हैं और 100-150 राज्यसभा के मेंबर उनके पीछे ठहरते हैं, वहां स्टेटमेंट करते हैं। और हाउस के अंदर हमारे चेयरमैन साहब उनको भी परमिशन देते हैं, और हम सच्चाई बोलने के लिए हमको परमिशन नहीं मिल रहा। हम किसी को अपमानित नहीं करना चाहते, करने का हमारा इरादा भी नहीं, वो हमारे कैरेक्टर में भी नहीं। लेकिन उन्होंने ये जो अपनाया है तरीका बीजेपी ने, और दूसरी बात मोदी जी यही है, शाह जी यही है, वो सदन में आके खुलासा क्यों नहीं कर रहे, स्टेटमेंट क्यों नहीं दे रहे, क्या वजह है? क्या हाउस को बायकॉट करे वो? अरे तुम बाहर बात कर सकते, ये तो प्रिविलेज है, ये तो रूल्स ऐसा है कि जब सदन चलता है, when the house is running, they should not make any policy statement or any thing, major statement he should not make outside, but इसके धज्जे उड़ाए जा रहे रूल्स के, रेगुलेशन के, they are speaking outside, they are not caring parliament, both the houses. तो इसीलिए इस चीज का कंडम करें, और कंडम करके आज सभी नेता वॉकआउट किए हैं। और हम ये चाहते हैं कि सारे 141 लोगों को उन्होंने जो सस्पेंड किया है, नो हाउस कंप्लीट होने तक उनको जो बाहर निकाला गया है, वो जब तक अंदर नहीं आएंगे, जब तक होम मिनिस्टर अपनी बात यहाँ नहीं रखेंगे और प्राइम मिनिस्टर आके वो भी अपनी बात को कहे, तब हम ये कह सकते हैं कि ये लोकतंत्र के स्वरूप में काम कर रहे हैं। तो ये बड़ा हिस्टोरिकल मिस्टेक वो कर रहे हैं, देश के इतिहास में ये लिखा जाएगा, 150 के नजदीक ये सस्पेंड कर रहे हैं और हाउस एक तरफा चलाने की